थैंक यू सो मच। आप लोगों के वजह से आज हम लोग यहाँ पर है, जितना भी खुश है आप लोगों के वजह से ही खुश है। एनिमल अटैकिंग माय टी विथ अ स्लॉपी टंग एंड सम रेड बुक्स। चाय पिएगी डोना। अभी एक नया वाला शैतानी स्टार्ट हुआ है, ये देखिए, उसको चाय पीना है। और अभी थोड़ा थोड़ा बाहर भी देखती है, देखिए चाय के लिए क्या क्या करती है। उसे चाय पीना है, ये देखिए। एनिमल अटैकिंग माय टी विथ अ स्लॉपी टंग एंड सम रेड बर्ब्स। देखिए क्या चल रहा है, देखिए चाय पीने में क्या होता है, देखिए उसे। देखिए अ डॉग वांट्स टू ड्रिंक टी। ये वाला ना चाट लेगी वो, अगर हम लोग ऐसे रख देते। देखिए जामाटा के नोंगड़ा कोच्चे। अरे मास्टर दा निकल रहे हैं, टेडी भी है, हम भी है। के लिए चावल बना है, वहाँ पोटैटो फ्राई है, इधर सांबर है, और ये वाला है सीम बटर। तो मैं आपको ये चावल दिखाना चाहता था, आप मेरा हाथ देख सकते हो। और ये चावल कुछ अलग टाइप के है, आप देख सकते हो कैसे गोल गोल टाइप के है और बहुत छोटे है, आप मेरे हाथ से समझ पा रहे हो। ये देखिए, ये चावल हम लोग ने बिग बाजार से खरीदा है, सॉरी ये बिग बास्केट से हम लोग खरीदा है। ये बिग बास्केट का खुद का चावल है और ये हम लोग को बहुत ही सस्ता में मिला है। तो मैं, अगर आप लोग कहते हो तो मैं आपको ये चावल दिखाऊंगा। और इसका खासियत ये है कि ये बहुत ही फाइन है और आराम से डाइजेस्ट होता है और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है, ये बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। आज का मस्त वाला न्यू ईयर सेलिब्रेशन। छोड़ो वो प्लेटिंग वेटिंग नहीं चाहिए, मस्त से बनाओ। और यही दोनों भी रेडी है, लेकिन दोनों को एक भी पीस ना आज को मिलेगा ना हम देंगे। अभी हो पाएगा, अभी बज रहा है 12:30, तो जैसे आप देख सकते हैं 1 बज रहा है। Actually, का आज हाफ डे था। हाँ, आज नहीं, 1 घंटा पहले हुआ। एक घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे के बीच पहले हुआ है। तो थोड़ा सा मजा आया, लेकिन कोई फायदा नहीं, अभी सब बंद हो चुका है। तो 12 बज चुका है बहुत पहले ही। हैप्पी न्यू ईयर सभी को हम लोग से, वेलिन वैम्पी फैमिली से, उसके साथ साथ अनोखी फैमिली, हर दोनों की चैनल से बता रहे हैं कि हैप्पी न्यू ईयर। और आप लोग सब खुश रहे, हम लोग का तो बहुत ही अच्छा सेलिब्रेशन ये ईयर गया है। मेरे लिए बहुत ही अच्छा अनुभव है और बहुत कुछ सीखने को मिला है, वो सब बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी न्यू ईयर का टाइम, लोगों को पहचानने में मिला है, बहुत लोग पहचानने में मिला है। शायद ये वीडियो आप लोग में से कोई देख भी रहे हो, तो आपको भी हैप्पी न्यू ईयर और थैंक यू। जो आप लोगों ने जो जितना अच्छा सलूक किया हो हम लोगों के साथ, उसके लिए थैंक यू सो मच। आप लोगों के वजह से आज हम लोग यहाँ पर है, जितना भी खुश है आप लोगों के वजह से ही खुश है। तो वैसे ये तो रहा आप सबके लिए, और जो लोग सच में हमारे सपोर्ट में थे उन सबको रियली हार्टफुली थैंक यू, जो हम लोग के सपोर्ट में थे। सो हैप्पी न्यू ईयर। ऐसे ही मेरा इवनिंग हैप्पी न्यू ईयर ईव भी कटा है काम करते करते, और यही मुझे अच्छा लगता है। कहीं पर भी क्लब में जाकर ये वो करना अच्छा। हम लोग का सब कुछ ये हम लोग का छोटा फैमिलीज में ही, लाइक हम लोग का जो छोटा फैमिली है ना, उसी में सेलिब्रेट करना बहुत अच्छा। और कब, मुझे वेट कर रहा था कि कब ये 4 लेग्ड एनिमल जब आएगा तो हमारे घर में हम लोग को जाना भी नहीं पड़ेगा, हम लोग जा भी नहीं पाएंगे कहीं पर भी, यहीं पे सेलिब्रेट करेंगे। मैं वही यही टाइम के लिए वेट कर रहा था बस, कि कब ऐसा हो सके। तो ये आखिरकार हो चुका है। अच्छा ही काम चल रहा है अभी, और ये खाएंगे मस्त से, फिर कल सुबह को मुलाकात होगा लोग का।
और यह दोनों का स्टार्ट हो चुका है। वो बोल रहे कि खाएगी ये कोल्ड ड्रिंक्स, लेकिन हम लोग नहीं दे सकते, ये बिल्कुल मना है, एक टुकड़ा भी मना है, क्योंकि इसमें बहुत सारा स्पाइसेस है। No. No, একদম no. চলো ওইদিকে চলো ওইদিকে। No. Hi. अभी अभी खिला खिलाया, ऊपर खेल के आई है। अभी देखिए एकदम अच्छी बच्ची की तरह कैसी सोफा में बैठ गई है, क्योंकि नीचे हम लोग ने कुछ रखा नहीं है। हम लोग बेसिकली एक कपड़ा या चादर कुछ भी दे देते हैं ताकि उसके ऊपर सो जाए, इतना ठंडा रहता है। ये देखिए हमारा अच्छी बच्ची। कभी कभार ऐसा हम लोग को देखने को मिलता है, हम लोग उसे अच्छे से इंजॉय कर लेते हैं। कैसे मस्त सोई है, कह रहे एकदम डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए ना दोनों। उसे एक्चुअली नींद आ गया है, तो हम लोग ऊपर गए थे थोड़ा सा खेल ले। उसे मैं जब भी लेके जाता हूँ और मेरा टाइम शॉर्ट रहता है, मीन्स बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर मुझे उसे थोड़ा सा टायर्ड करवाना पड़ता है, क्योंकि उसे क्या होता है कि अगर मैं नहीं लेके जाता हूँ तो वो अपना तो नीचे ही इतना हल्ला मचाती है कि आपको मतलब देख के हालत खराब हो जाएगा। कुछ भी पकड़ लेती है, कुछ भी टांग देती है, और आपका जब अपना टाइम होगा ना, जब आपका इम्पोर्टेंट होगा और आप जल्दबाजी में रहोगे तो आप उसको संभाल नहीं पाओगे। आप अपना काम करोगे कि उसको देखोगे, तो इसीलिए मैं उसे थोड़ा बहुत लेके जाता हूँ। एक एक जो एक एक टाइम होता है, सुबह को एक टाइम और शाम को अगर टाइम होता है तो थोड़ा लेके जाता हूँ, ज़्यादा उछल कूद करती है तो, ताकि उसका एनर्जी लॉस हो जाए और ऐसी पड़ी रहे, या अगर नहीं भी पड़ी रहती है, अगर नहीं भी सोती है तो वो ज़्यादा यहाँ पे वो डिमांड नहीं करेगी, क्योंकि अभी वो नया डिमांड स्टार्ट की है। उसको टायर्ड होना होता है ना हर टाइम, क्योंकि टायर्ड डॉग एक हैप्पी डॉग होता है, और वो जब खेल के आती है ना वो बहुत चुप हो जाती है, क्योंकि वो उसका जो भी इतना एनर्जी बचा था ना वो उसका यूज हो गया है, तभी वो खुश है कि वो खेल के आ गई। एक्चुअली वो क्या करती है, यहाँ जाके वहाँ पर जाके उसको पता है कि वह वहाँ बाहर निकलना है, वहाँ लीश है उसका, तो वो लीश की तरफ देखेगी और उधर उधर स्क्रैच करेगी, वो कहेगी कि मुझे बाहर लेके जाओ, तो ये चलता है।
और बहुत दिनों से मैंने अपडेट नहीं दिया है क्योंकि अपडेट देने के वैसा सिचुएशन ही नहीं हो रहा है कि मैं बैठूं और थोड़ा सा अपडेट दे सकूं, उतना टाइम भी नहीं हो रहा है। तो हम लोग का अभी जो नया जो मेन न्यू ईयर रिजोल्यूशन है वो तो बहुत कुछ है, वो टाइम आते आते आप व्लॉग्स देखते रहिए, मैं आपको बताते जाऊंगा और आपको पता भी चल जाएगा। वैसे इस न्यू ईयर में मेरे जो लाइफ है और मेरे फैमिली के ऊपर मैं इतना कह सकता हूँ कि बहुत ही अच्छा, आशा करता हूँ कि ये ईयर मेरे लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। पता है कि हर एक ईयर तो अच्छा नहीं होता है, या फिर आप अच्छा का अच्छे के बारे में अगर सोचोगे तो बुरा भी आ जाएगा, तो वो तो पता ही है। लेकिन ये ईयर मेरे लिए एक्चुअली में इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मैंने जो पहले ईयर था ना उसमें जो सीखा है वो मैंने लाइफ में कभी नहीं सीखा है, कहीं पर भी नहीं सीखा है। तो मैंने खुद गिरा है, गिर के मैंने अपने छाले पढ़ के मैंने उस वैसे सीखा है। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा है कि मैं पहले ईयर में जो कुछ भी हुआ है, बहुत ज़्यादा कठिनाई हुआ है, बहुत ज़्यादा परेशानी हुआ है, लेकिन जो कुछ भी हुआ है ना मेरे भलाई के लिए हुआ है, ये मैं दावे के साथ दिल से कहता हूँ। तो जो कोई भी इसके पीछे हो, जो लोग भी ये किए हो मेरे लिए, वो आप लोग तो ठीक तो नहीं किए हो, क्योंकि ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन बाई चांस ये मेरे लिए ना अच्छा हो गया है, तो मेरे लाइफ के लिए बहुत ही अच्छा साबित हो चुका है। तो थैंक यू टू ईच एंड एवरी वन जो लोग भी ये काम किए हो। और सच में कहता हूँ मेरे जीवन में अभी कोई नहीं है, मेरे फैमिली के सिवा मेरे पास कोई नहीं है, और मैं ये सीख चुका हूँ कि मुझे सच में किसी का ज़रूरत नहीं है लाइफ में। मैं अकेले अपने फैमिली को उतना रिस्पॉन्सिबिलिटी और उतना मेरे अंदर स्ट्रेंथ आ चुका है कि मैं अपने फैमिली को खुद हैंडल कर सकता हूँ। तो अगर नहीं भी कर सकता हूँ ना, मैं किसी के पास नहीं जाऊँगा, ये मेरा अपना खुद का एक डिसीजन है इस न्यू ईयर से। और इस न्यू ईयर में बहुत कुछ नया करना है, ठीक है? तो नया वैसे बहुत कुछ प्लानिंग है, मुझे काम बहुत कुछ स्टार्ट करना है खुद का नया, और टाइम भी एकदम कम है, इस टाइम के अंदर मुझे स्टार्ट करना है। तो बहुत कुछ एक्सपेक्टेशन है, और गॉड के ब्लेसिंग से मैं शायद ये काम कर पाऊंगा। और अगर मैं ये सोचता हूँ कि आपका खुद का मेहनत होना है तो आप कुछ भी कर पाओगे। मैं कोई एस्ट्रोलॉजी, कोई भी लक के ऊपर और हेड के ऊपर ये सब मैं विश्वास नहीं करता हूँ। आप खुद कोशिश करो, आपको खुद सफलता मिलेगा। और मैंने अभी तक, आज तक मैंने कुछ भी विश्वास नहीं किया है, सुपरस्टिशन मेरे से नहीं होता है। आप मैंने बहुत बहुत खराब वक्त मेरा गया है, लेकिन एक बार भी मैंने दूसरा कुछ नहीं सोचा है। मैंने यही सोचा है कि मेरा ही गलती है, मैंने ही कुछ गलती किया है, इसीलिए मेरा वो वक्त मुझे देखने को मिल रहा है। तो अगर हम लोग कोशिश करते रहे और देखते रहे कि हम लोग का फॉल्ट कहाँ पर है, मिस्टेक्स कहाँ पर है लाइफ में, तो हम लोग जरूर बढ़ेंगे। तो ये सब तो ज्ञान वाले बातें हो गई। तो हम लोग का अभी अपडेट है कि हम लोग बाहर जाएंगे, क्योंकि डोना के लिए कुछ खरीदने का प्लान है लेकिन नहीं मिल रहा है। एक्चुअली ऑनलाइन में मैंने ऑर्डर देने का कोशिश किया था, लेकिन ऑनलाइन से बहुत ही लेट हो रहा है, और अभी बाहर जाके शायद कहाँ जाएंगे वो नहीं पता। थोड़ा आपको वो भी अपडेट देंगे दोपहर का टाइम जब बाहर निकलेंगे, तो वहाँ जाके डोना के लिए कुछ तो खरीद के लाना ही पड़ेगा। डोना का सेलिब्रेशन हो रहा है यहाँ, 3 मंथ्स का एक सेलिब्रेशन हो रहा है, हम लोग सबको इनवाइट भी किए हैं, और तो हाँ अराउंड 20 पीपल अप्रोक्सीमेट हम लोग का इनविटेशन हुआ है। बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, देखना पड़ेगा बजट के अंदर सब ठीक करना पड़ेगा, इतना जन का अरेंजमेंट करना है, बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मेरा अपकमिंग जो वीकेंड है बहुत ही खतरनाक होने वाला है, वो तो मुझे पता ही है। तो आप लोग साथ में रहिए, आप लोग ब्लॉग देखिए, सपोर्ट कीजिए, और कोई भी अगर आप लोग में से कोई भी हम लोग को प्यार देना चाहते हो तो मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिए, ठीक है? वीडियो में कमेंट कीजिए, तो ताकि हम लोग आपको भी शामिल कर सके अपने फैमिली में, क्योंकि सच में मैं कह रहा हूँ मेरे अपने, क्योंकि सच में मैं कह रहा हूँ मेरा अपना खुद का कोई भी अभी फैमिली नहीं है, मेरा डोना और टेडी के अलावा मेरा कोई नहीं है। तो आप लोग में से अगर कोई भी मेरा फैमिली मेंबर बनना चाहते हो, मेरा फ्रेंड्स बनना चाहते हो, तो ज़रूर कमेंट कीजिए। अगर आप लोग वीडियो देख के चले जाओगे तो मुझे पता नहीं चलेगा। आप लोग नीचे कमेंट कीजिए, अपना प्यार दीजिए, और अब मेरे छोटे डोना को भी दीजिए, ताकि हम लोग एक फैमिली की तरह
और हो सके तो हम लोग बाद में एक रिलेशन भी बना सके। तो ये सब सोच के अच्छा लगता है। आप लोग जरूर सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कमेंट कीजिए। आप लोग अगर सब्सक्राइब करना चाहते हो, लाइक करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, लेकिन कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।